दोस्तों ये सारी चीजें इसके अंदर, और एक कैप इसके ऊपर लगी हुई है। ये जो चार कैप है, चार कैप में अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन से चारों कैपों का काम होता है। एक इसमें आउल कैप है, आउल शेप में जो दी हुई है, और इसमें एक है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप के बाद आती है सोनिक कैप, सोनिक कैप के बाद आती है लार्ज कैप, ये लार्ज कैप है। तो ये सारों कैप के थ्रू हमें इसका यूज करना है। अब यूज कैसे करना है चलिए देखते हैं। दोस्तों जो काम वैक्यूम क्लीनर का होता है कि घर की गंदगी जाले धूल गर्दा को निकालता है और बाहर फेंक देता है, वही काम सेम इसका होता है। ये फेस का वैक्यूम क्लीनर है। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इसमें यहाँ पर बटन दिया हुआ है, नंबर वन, नंबर टू, मैं डबल पावर पे लगाता हूँ, और मैंने इसमें जो कैप ऊपर लगाई हुई है इन बाकी कैप के बिहाफ पर, वो यहाँ पर लार्ज कैप है। यहाँ पे बाकी कैप दी हुई है, मैंने अभी आपको बताया ये आउल शेप में, ये स्मॉल कैप में, और ये सोनिक कैप है। और इन सभी कैप में मैं यहाँ पर लार्ज कैप का यूज करता हूँ। लार्ज कैप को यूज करने के लिए मैं इसको ऑन करता हूँ, मशीन ऑन हो गई है, आपको आवाज सुनाई दे रही है, और यहाँ पे आपको इसका यूज दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पर लगाया, लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको धीरे धीरे मूवमेंट करना है, या फिर आपके जिस जगह पिंपल है उस पिंपल पे आप इसे माउंट कर देंगे। माउंट करने के बाद वो उस पिंपल से जितने जर्म्स बैक्टीरिया होगी या गंदी जो अंदर गंदगी भरी होगी वो सब ये खींच लेता है। देखिए लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर पिंपल है, ठीक है। अब मैंने इसी पिंपल के ऊपर इस मशीन को माउंट कर दिया। अब ये देख रहे हो आप, ये कैसे खींच रही है इस गंदगी को, इस जगह से कैसे खींच रही है मशीन, ये देखिए आप। और थोड़ी देर बाद इसको आपको कुछ इस तरह से खींचना है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह ही, इस तरह से ही आपको इसका यूज करना है। बहुत जल्दी जल्दी आपको इसे खींचना नहीं, आपकी स्किन पर आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी वहीं से, और आपकी झुर्रियां वहीं से पड़ने लगेंगी। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो ये मेन काम इस मशीन का होता है भाई। ये डर्मा सेक्शन की आपकी वैक्यूम क्लीनर है, पोर क्लीनिंग डिवाइस है, इसका आप लोग यूज कर सकते हैं और अपने अपने लिए ले सकते हैं।